एंड वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। सो आज है गाइज वेरी स्पेशल वीडियो, आज है मेरा सैलॉन टूर। और आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते क्योंकि अभी सैलॉन है तो क्लाइंट्स भी आने लग जाएंगे। अभी मॉर्निंग का टाइम है, क्लीनिंग वगैरह हम लोग ने कर ली है, तो मैं आप लोग के साथ फटक से वीडियो शेयर करती हूँ। और सारा काम ऑलमोस्ट कम्प्लीट है, एक आध वॉल चेंज करना है, बट वो जब भी होगी मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे सैलॉन का एंट्री। और यहाँ पे पहले हमारा एसी था, बट अभी हम लोग ने हटवा दिया यहाँ पे, अब एसी है हमारा इधर। क्योंकि हम लोग ने इसलिए चेंज करा दिया क्योंकि पाइप बहुत ज़्यादा हमारा बाहर से चोरी हो गया था पाइप एक्चुअल में, इसकी वजह से हम लोग ने एसी यहाँ से हटवा के अंदर से ले लिया है ताकि बार बार कुछ ना हो। तो ये है हमारा एंट्री और ये है बैकग्राउंड, जहाँ पर अगर आप इंस्टा मेरा फॉलो करते हैं तो जितनी भी जो पिक्चर्स है वो यहीं से मैं लेती हूँ। और ये है मेरी रिंग लाइट और ये रिसेप्शन एरिया है, ये है रिसेप्शन पूरा, ये अभी मैंने करवाया है सारा का सारा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा जो भी है हम लोग मतलब जैसे रजिस्टर है और सारे कलर्स वगैरह की फाइल्स है वो सब इसमें रहती है, और इम्पोर्टेंस जो भी चीज़ें वो यहाँ रहती है। और यहाँ पर रिंग लाइट है, स्विच है और बेल लगी है, एंड ये है हमारा रिसेप्शन। एंड गाइज, फिर यहाँ पे है, यहाँ पे चेयर्स हमारी रखी है, ये थ्रेडिंग की चेयर्स है, वो हेयर कट कलर वगैरह के लिए है, वो ट्रॉली है, और ये सारा मैंने अभी करवाया है। और ये हमारा है सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं सीलिंग के लिए, जो क्लाइंट्स को देने पड़ते हैं होम केयर के लिए, वो सारे कुछ यहाँ पे रखे हुए हैं। सो एंड गाइज, ये है हमारा टीवी और यहाँ पे लगा है कैमरास, नीचे कैमरा है, तीन अंदर है। और यहाँ पे भी शोकेस है जिसमें सारे होम केयर के प्रोडक्ट हैं क्लाइंट के लिए, शैम्पू एंड कंडीशनर एंड ऑल। और ये सारे पोस्टर्स मैंने अभी लगवाए, बट मुझे ये जो है नीचे वाला ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इसे जल्दी चेंज करवाऊँगी। एंड यहाँ पे एक एसी है जो वहाँ थी, अब यहाँ लग गई। और ये यहाँ पे मैंने एक मिरर लगवा दिया। एंड गाइस, वेरी वेरी सबसे अच्छा जो हमारे सैलॉन का पार्ट है, ये हमारी सीलिंग्स है जो मैंने अभी अभी करवाई है। आप देख सकते हो बहुत ब्यूटीफुल लगता है, जब लाइट्स बंद कर दो तब भी बहुत ज़्यादा अच्छा लुक आता है। मैं आपको लाइट्स बंद करके भी दिखाती हूँ, और आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, सो एंड ये वाला एक शोकेस है, यहाँ पे सारे ड्रॉर्स एंड मेकअप का जो भी सामान है वो यहाँ पे रहता है, टॉवल्स वगैरह सारी चीज़ें। एंड सो अभी सारी फ्रेंड्स यहाँ पे वार्म लाइट मैंने स्टार्ट कर दी है, और देखिए कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। और ये कुछ दूर से ऐसे दिखता है, और ये है हमारा मेन मतलब एंट्री, यहाँ पे वेटिंग के लिए क्लाइंट बैठते हैं। इसके नीचे भी सारा जो भी मतलब एक्स्ट्रा सामान रहता है वो इसके अंदर होता है। सारी लाइट्स बंद करने के बाद जो एक्रेलिक है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, और बहुत ही प्रिटी लग रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे अब एंट्री होती है हमारे नेक्स्ट रूम की। सो यहाँ पे हमारा हेयर वॉश का एरिया, मैंने यहाँ पे भी सब ग्रास वगैरह लगवा दिया है, और यहाँ पे हेयर वॉश है, और यहाँ पे सारे जो भी शैम्पू एंड कंडीशनर है जो मैंने अभी ये लगवाया है, तो जो भी जल्दी से मुझे मिल जाए वो यहाँ पर रखा है सामान। और यहाँ पर टॉवल है, एक फैन है, और ये वाला जो ये जो झूमर था गाइज, ये हमारा। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा झूमर था वो पहले बाहर था, बिकॉज एक्रेलिक है इसकी वजह से झूमर नहीं लगा, तो हमने यहाँ पे लगवा लिया पैसेज में। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, आप देखो कितना प्यारा लगता है। और यहाँ पे एक मॉडल, और यहाँ पे मिरर लगवाया है, और एक, और ये रहे हम। सो यहाँ पे हेयर वॉश का है, ये सब पूरा पैसेज एरिया है माशाल्लाह यहाँ पे। एंड सो फ्रेंड्स, ये है हमारा जो है फेशियल रूम, सारे ट्रीटमेंट वगैरह इधर ही होते हैं, सारे ट्रीटमेंट से जो भी हमारे यहाँ पे होते हैं फेशियल वगैरह, बॉडी मसाज जो भी होता है सब यहाँ पे होता है। ये सारी मशीनरी रखी है हमारी, एंड ये सारे पोस्टर्स वगैरह है, एंड यहाँ पे ये वैक्सिंग एरिया है पूरा। और यहाँ पे मैंने ये अभी बनवाया है, ये वाला जो है ना, ये अभी मैंने वैक्सिंग के लिए बनवाया है, पहले ये नहीं था, यहाँ पे फ्रिज रखा था। और यहाँ पे कर्टन्स है, और ये हमारी हाइड्रा की मशीन, और ये लिफ्टिंग मशीन, और एसी वगैरह, ऑल द थिंग्स यहाँ पे है, जितनी भी मशीन्स है नॉल है, सारे क्लेंजर्स है फेशियल्स के जो भी
अच्छे वाले जो क्लेंजर्स है ब्रांडेड अच्छी कंपनी के, सारे यहाँ पे क्लेंजर्स रखे हैं जो क्विकली हमें मिल जाते हैं। यहाँ पे हमें फ़ौरन से क्लेंजिंग करना होता है क्योंकि क्लाइंट जैसे ही आता है फर्स्टली हमें क्लेंजिंग करना होता है उसकी। तो यहाँ पे सारे जो भी जल्दी से मिल जाए सारे यहाँ पे सामान रखे हैं ट्रॉली में। एंड यहाँ पे अभी हमें पहले स्टूल लेना पड़ता था, जो बेड था हमारा पहले उसमें स्टूल नहीं था, तो हमें गाइस स्टूल लेने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें यहाँ पे है एक, तो इसे बंद कर देते हैं। और इसमें स्टोरेज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड यहाँ पे हमारे स्टीमर्स है और सारी मशीन्स है, और ये हाइड्रा मशीन अभी न्यूली हमने ली है। और यहाँ पे बस, और मैंने यहाँ पे और एक मिरर लगवाया है। सो एंड अब जाते हैं हमारे, और यहाँ पे वॉशरूम है, इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। एंड अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ये वाले जो दो बेड आपको दिख रहे होंगे, पहले वो उस रूम में थे, अब इस रूम में है, बिकॉज़ वो न्यू तीन है। तो हमने यहाँ पे और एक फेशियल, जैसे क्लाइंट बहुत ज़्यादा हो जाते कभी कभी तो वेटिंग के लिए ना बैठना पड़े क्लाइंट को, तो यहाँ पे और एक हमने रूम बना दिया है जिसकी वजह से क्लाइंट को वेट नहीं करना पड़े ज़्यादा। एंड यहाँ पे हमारी और मशीन्स रखी हैं, यहाँ पे और एक ट्रॉली है, ये पॉलिशिंग मशीन है, और ये हमारा वैक्यूम सक्शन रखा हुआ है, और ये भी स्टोरेज के लिए, वहाँ पे सारी मेरी आई लैशेस एंड ऑल रखी है, और ये भी स्टोरेज के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा इसमें सामान आता है। और ये भी मैंने अभी रिसेंटली मैं बनवाया है, मैं आपको दिखाती हूँ इसको बन कर। तो जो जिनसे बनवाया था मैंने उनको ये वाला बड़ा बोला था, उन्होंने ये छोटा कर दिया, और बाकी सब ठीक है। तो ये वाला भी हमारा एक काइंड ऑफ रूम हो गया है फेशियल के लिए। और ये क्यूट सी परी यहाँ पे है एक। सो अभी ये हमारी फ्रिज यहाँ पे रखी है, ये वाला एक रूम है जो काफ़ी ज़्यादा पर्सनल है हमारा, मतलब यहाँ पे हम लोग खाना खाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, और वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग करते हैं। यहाँ पे मतलब क्लाइंट्स के लिए यहाँ पे नहीं, ये हमारा पर्सनल, यहाँ पे सारे हमारा सामान रहता है। और ये सारे हाइड्रा मशीन के हमारे सीरम्स एंड ऑल है, और ये हमारा एक्वा गार्ड लगा हुआ है। और बस ये अभी मैंने रिसेंटली ये भी बनवाया है, इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज है अंदर, बिकॉज सबसे ज़्यादा जो मुझे चाहिए था वो। सो यहाँ पे हमारा डन हो गया सैलून टूर। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड गाइस, ये रही मैं। सो गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड आपको कैसा लगा मेरा सैलून टूर ज़रूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखनी है, किस चीज़ के बारे में देखनी है, वो भी मुझे बताना। एंड गाइज, मैंने एक वीडियो डाला था बहुत टाइम हो गया है, जो कि थी जो नॉट्स हो जाती हैं बालों में उनके ऊपर। तो गाइज वो वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह 60K क्रॉस होने वाले हैं। बट गाइज, आप लोग बहुत लोग पूछ रहे हैं आपका सैलून का, आप सैलून का है, तो बहुत सारे लोग जो मतलब इंडिया के बाहर से भी हैं। तो गाइज ये मुमरा में लोकेटेड है, थाने मुमरा में। सो अगर आप ये वाली वीडियो आप लोग देखोगे तो आपको पता चल जाएगा सैलून कहाँ पे है, मुमरा थाने में है। एंड सॉरी, थाने मुमरा में लोकेटेड है सैलून हमारा। तो अगर आपको विजिट करना तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, एंड आप मुझे DM करो, तो मैं आप लोग को सारे एड्रेस एंड ऑल सब शेयर कर दूँगी। और गाइज, जो नॉट्स हो जाती हैं वो इतना ज़्यादा, मतलब अब वो डिपेंड करता है कितनी ज़्यादा हुई है नॉट्स। ये गाइस, सो कॉल आ गया था इसलिए मुझे फ़ोन कट करना पड़ा। सो गाइस, अभी हमारा ये वीडियो एंड करते हैं, और इंशाअल्लाह ताला अगर वो वैसे मतलब मेरे पास और ऐसे काइंड ऑफ हेयर आएंगे ना, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। क्योंकि वैसे बाल कैसे, बहुत सारे लोग जैसे बीमार होते हैं और बेड रेस्ट पे होते हैं टोटली, तो उन लोग के ऐसे हेयर हो जाते हैं। और अगर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, कभी किसी का होना नहीं चाहिए, बट अगर इंशाल्लाह कभी ऐसा वीडियो मैं बना पाई तो आप लोग के लिए ज़रूर बनाऊंगी। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय बाय।